पतंजलि योग समिति द्वारा रविवार को जरूरतमंद क्षय रोगियों को न्यूट्रिशन किट वितरण किया गया। समिति महामंत्री सुरेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि इस न्यूट्रिशन किट में दाल, दलिया, तेल, भुना चना, प्रोटीनेट सहित एक महीने का किट जरूरतमंद रोगियों को दिया गया। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के क्षय रोग केंद्र पर विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने सभी रोगियों का परीक्षण किया। भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के सदस्यों ने सभी रोगियों से व्यक्तिगत रूप से उनका हालचाल जाना एवं उन्हें विशेष सुझाव सतर्कता के साथ उनके अति शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की। पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी भारतेंदु श्रीमाली ने बताया कि पतंजलि योग समिति ने 6 महीने के लिए जरूरतमंद 20 रोगियों को गोद लिया है और इन रोगियों को प्रति माह न्यूट्रिशन किट वितरण के साथ घर जाकर समय समय पर उनकी विशेष देखभाल एवं उनका स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहेंगे। इस मौके पर पतंजलि योग समिति जिला ब्यावर के प्रभारी तुलसा राम, तहसील प्रभारी आनंद कुमावत, जिला महामंत्री सुरेंद्र खंडेलवा, संगठन मंत्री बलवंत सिंह भाटी, युवा भारत प्रभारी नरपत सिंह रावत, योग साधक प्रहलाद सोनी, नारायण सिंह, प्रभु सिंह, गोपाल सिंह, यज्ञ समिति प्रभारी ब्रजेश मालू, मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल, भारत विकास परिषद अध्यक्ष अनिल भराड़िया, जिला क्षय रोग अधिकारी लोकेश गुप्ता व अस्पताल स्टाफ के द्वारा रोगियों को न्यूट्रिशन किट दिए गए। इस मौके पर टीबी चैंपियन ललिता साखला भी उपस्थित रहे।